नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ। इसे बनाने के लिए हमें 4 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 3 फंदा एक्स्ट्रा। जैसे मैंने यहाँ से बनाया है वैसे ही मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। आप इसे पहली लाइन समझें। डिज़ाइन सामने की तरफ से पड़ रहा है, तो यदि आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हों तो आप रॉन्ग साइड से फंदे बढ़ा लीजिएगा, पहली लाइन से डिज़ाइन स्टार्ट होगा। तो हम अपना दूसरा कलर अटैच कर लेंगे और पहले फंदे को स्लिप करेंगे, अगले फंदे को सीधा बुनेंगे। तो इन्हीं दो फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। एक फंदा स्लिप करना है, स्लिप करने के लिए हम ऐसे पर्ल वाइज सिलाई डालेंगे, फंदे को स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदे को सीधा बुनेंगे। एक फंदा स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदे को सीधा। एक फंदा स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदे को सीधा सीधा। इसी तरह इन्हीं दो फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, डिज़ाइन बहुत ही आसान है और बेहद खूबसूरत। बिगनर्स भी इस डिज़ाइन को आसानी से बना सकते हैं और इस डिज़ाइन को आप किसी भी लेडीज़ प्रोजेक्ट में या बच्चों के प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, जैसे टॉप में। तो ये हमारा पहला लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है। तो दूसरी लाइन में पहले फंदे को स्लिप करेंगे, उनको दूसरी ओर करेंगे और अगला फंदा सीधा। तो इन्हीं दो फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। उनको अपनी ओर करना है, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना है, उनको दूसरी ओर करना है और बुने हुए फंदे को सीधा बुनना है। उनको अपनी ओर, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना है, उन दूसरी ओर बुने हुए फंदे को सीधा बुनना है। तो इन्हीं दो फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में, लेडीज़ प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, जैसे जैकेट में, कार्डिगन में, टॉप में डालिए, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे आप बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये हमारा दूसरा लाइन कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये हमारे डिज़ाइन का तीसरा लाइन है। तो तीसरी लाइन हम अपने प्राइमरी कलर से बुनेंगे। पहले फंदे को सीधा बुनेंगे, नेक्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदा सीधा, 1, 2, 3। तो पहला फंदा एडजस्टिच है और इन्हीं 4 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। एक फंदा स्लिप करना है, फिर 3 फंदे सीधा बुनना है, 1, 2, 3। एक फंदा स्लिप करना है, 3 फंदा सीधा बुनना है, 1, 2, 3। इन्हीं 4 फंदों को दोहराते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में 2 फंदे बचेंगे, तो एक फंदा स्लिप करेंगे, लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब ये डिज़ाइन का चौथा लाइन है और रॉन्ग साइड। तो चौथी लाइन में हम बुने हुए फंदे को उल्टा बुनेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे। बुने हुए फंदे को उल्टा बुनेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। पांचवी लाइन और सामने से और अपने सेकेंडरी कलर के ऊन से हम 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3, और चौथे फंदे को स्लिप करेंगे। तो इन्हीं 4 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। 3 फंदा सीधा बुनना है, 1, 2, 3, चौथे फंदे को स्लिप करना है, 3 फंदा सीधा, 1, 2, 3, चौथे फंदे को स्लिप करना है। तो इन्हीं 4 फंदों को दोहराते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में 3 फंदा बचेगा, तो उसे हम सीधा बुन लेंगे। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये डिज़ाइन का छठा लाइन है। तो हम बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे
और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे। तो इन्हीं चार फंदों को दूर आते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। उन दूसरी ओर बुने हुए फंदे सीधे, उन अपनी ओर स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। जब हम अपने सेकेंडरी कलर से बुनाई करेंगे और रॉन्ग साइड में होंगे तो बुने हुए फंदे को हम सीधा बुनेंगे, और प्राइमरी कलर से बुनते समय जब हम रॉन्ग साइड में होंगे तो बुने हुए फंदे को उल्टा बुनेंगे। ये हमारा छठा लाइन कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये हमारे डिज़ाइन का सातवां लाइन है। तो सातवें लाइन में हम अपने से प्राइमरी कलर के ऊन से एक फंदा सीधा बुनेंगे, अगले फंदे को स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदा सीधा। देखिए ये जो स्लिप किया हुआ फंदा था, तो ये फंदा और इसके दोनों साइड वाले फंदे, ये तीन फंदे हम सीधा बुन लेंगे। और देखिए बुने हुए तीन फंदों में से ये बीच का फंदा यानी दूसरा फंदा, इसे हमें स्लिप करना है। अब देखिए ये स्लिप किया हुआ फंदा है, तो ये फंदा उसके दोनों साइड वाले फंदे, इन तीन फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। और इन बुने हुए तीन फंदों में से ये बीच का फंदा यानी दूसरा फंदा, इसे हमें स्लिप करना है। पहला फंदा है जिस स्टिच है, और इन्हीं चार फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। एक फंदा स्लिप करना है, तीन फंदा सीधा बुनना है। तो इन्हीं चार फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में दो फंदे बचेंगे, तो एक फंदा स्लिप कर लेंगे और लास्ट फंदा है जिस स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से हम चूँकि अपने प्राइमरी कलर से बुन रहे हैं, तो सभी बुने हुए फंदे उल्टा बुनेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे। बुना हुआ फंदा उल्टा और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे। नाइन्थ रो और फ्रंट साइड, अब अपने हम सेकेंडरी कलर के ऊन से एक फंदा स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे, फिर स्लिप करेंगे, फिर सीधा। तो इन्हीं चार फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। एक फंदे को स्लिप करना है, अगला फंदा सीधा, देखिए सेकेंडरी कलर वाला फंदा इसे सीधा बुनेंगे, नेक्स्ट फंदा सीधा स्लिप करेंगे, और देखिए बुने हुए तीन फंदों में से बीच का फंदा इसे सीधा बुनेंगे। एक फंदे को स्लिप करना है, अगले फंदे को सीधा बुनना है, एक फंदे को स्लिप करना है, अगला फंदा देखिए ये बीच वाला फंदा, इसे हमें सीधा बुनना है। तो इन्हीं दो फंदों को दोहराते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। दसवीं लाइन और रॉन्ग साइड, तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे अगला फंदा सीधा। क्योंकि हम अपने सेकेंडरी कलर से बुन रहे हैं, तो बुना हुआ फंदा सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। सेकेंडरी कलर से बुनते समय रॉन्ग साइड से हमें बुने हुए फंदे को सीधा बुनना है और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेना है। ग्यारहवीं लाइन और सामने से अपने प्राइमरी कलर के ऊन से तीन फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो तीन, और चौथे फंदे को स्लिप करेंगे। अब देखिए ये दो डिज़ाइन के बीच का फंदा, इसे हमें स्लिप करना है, और डिज़ाइन के ऊपर वाले तीन फंदे, उन्हें हमें सीधा बुनना है। अब देखिए दो डिज़ाइन के बीच का फंदा, ये दूसरे कलर का, इसे हमें स्लिप करना है, और ये डिज़ाइन के ऊपर के तीन फंदे, इसे हमें सीधा बुनना है। एक फंदा स्लिप करना है, तीन फंदा सीधा बुनना है, एक फंदा स्लिप करना है, तीन फंदा सीधा बुनना है। और रॉन्ग साइड से बुने हुए फंदे उल्टा बुनेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। क्योंकि इस समय हम अपने
प्राइमरी कलर के ऊन से बुन रहे हैं, तो इसलिए बुने हुए फंदे को हम उल्टा बुनेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे। तेरहवीं लाइन और सामने से अपने सेकेंडरी कलर के ऊन से एक फंदा सीधा बुनेंगे, नेक्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदा सीधा। देखिए जो हम ये स्लिप किया हुआ फंदा है, तो ये फंदा और इसके दोनों साइड वाले ये तीन फंदे हमें सीधा बुनने हैं। अगले फंदे को स्लिप करना है, फिर नेक्स्ट फंदा तीन फंदा सीधा, एक फंदे को स्लिप करना है। अब देखिए ये स्लिप किया हुआ फंदा, उसके दोनों साइड वाले फंदे, अब डिज़ाइन इस पर बनेगा, तो इन तीन फंदों को हमें सीधा बुनना है। रॉन्ग साइड से बुने हुए फंदे सीधे बुने जाएंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लिया जाएगा। उन दूसरी ओर बुने हुए फंदे सीधे, उन अपनी ओर स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। उन दूसरी ओर बुने हुए फंदे सीधे, उन अपनी ओर स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। पंद्रहवीं लाइन और सामने से और अपने सेकेंडरी कलर अपने प्राइमरी कलर के ऊन से तीन फंदा सीधा बुनेंगे, चौथे फंदे को स्लिप करेंगे। तो इन्हीं चार फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। तीन फंदा सीधा, देखिए एक फंदा ये स्लिप किया हुआ फंदा, दूसरा फंदा और इसके साइड वाला फंदा, तीन फंदा। इन तीन फंदों को हमें सीधा बुनना है और डिज़ाइन के बीच के फंदे को हमें स्लिप करना है। देखिए ये स्लिप किया हुआ फंदा, तो इस फंदे को और इसके दोनों साइड वाले फंदे को हमें सीधा बुनना है और डिज़ाइन के बीच के फंदे को हमें स्लिप कर लेना है। रॉन्ग साइड से बुने हुए फंदे उल्टे बुने जाएंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। बुना हुआ फंदा उल्टा, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। बुना हुआ फंदा उल्टा, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 16 लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है। अब फिर इसके ऊपर से हमारा पहला लाइन शुरू हो जाएगा, यानी अपने सेकेंडरी कलर के ऊन से पहला फंदा स्लिप करेंगे, अगला फंदा सीधा, फिर स्लिप, फिर सीधा, फिर स्लिप, फिर सीधा। इस तरह करते हुए फिर से 1 से 16 तक हम डिज़ाइन लाइन दोहराएंगे, तो ये पैटर्न बनता चला जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन कितना खूबसूरत है। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो आशा है आपको डिज़ाइन पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।